सर बहुत ओम शांति। भाई क्या करूं, अच्छी तरह बोलो ओम शांति, फिर से बोलो ओम शांति। अच्छा, जब मधुबन में आते हैं ना तो कितना नशा चढ़ता है, और सब रात्रि क्लास में सवेरे बाबा मूली चलाता है, सवेरे की मुरली और रात का बाबा का क्लास में आना, ये टाइम है बाबा के आने का, 9 बजे आता है, हम बच्चों से मिलता है, खुश खैरावत पूछता है, साकार बाबा के दिनों के कौन बैठे हैं, एक ही देखो, एक ही भाई बैठा है। अच्छा, बाकी सबको तो मुझे अभी कल जाना है नीचे ना, फिर तो मैंने कहा पांडव भवन रात्रि क्लास करेंगे, तो रात्रि क्लास की भाषण अपनी है, बाबा हम बच्चों से खुश खैरावत पूछता है सारे दिन में कैसा रहा, सुबह को अमृत वेले बाबा को याद किया, फिर मुरली सुनी, दिन भर में कर्मयोगी रहे, शाम को 7 बजे के योग में, सवेरे के योग में और शाम के योग में फर्क होता है। सवेरे में बाबा माँ के रूप में जगा के बिठाता है, फिर कहता है बाप को याद कर, और जब क्लास में आता है बाबा तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये गुड मॉर्निंग करने बाबा पास जाती, बच्चे जाओ मैं बाबा को लेके आता हूं क्लास में, जाओ बच्चे याद में बैठो, मैं क्लास में लेके आता हूं बाबा को। बाबा इतना अच्छा तैयार होके बाबा को लेके आ रहा है क्लास में, और हमको क्या करना है, अभी आजकल आंखें बंद कर देते थोड़ी मूली सुनते सुनते, नहीं मूली सुनते, तो बाबा कहता है डांसिंग गर्ल होती है ना, कोई डांस देखने वाला हूं ऐसे करता है ना, उसकी अच्छी डांस चलती है, नहीं डांसिंग गर्ल डांस करे और देखने वाले ऐसे ऐसे ना करे, सतीश भाई गीत गाने तुम गीत गाओ तो ऐसे सुनने भी नहीं, आपको कैसे अच्छा लगेगा, तो कम से कम इतना तो होना चाहिए ना। बाबा बहुत अच्छा, तो है नीचे जो है ना, यहां गीत बजाते में सुनाई भी नहीं पड़ता है, नीचे शांतिवन में गीत ऐसा बजाते मुझे सुनाई पड़ता है पूरा हमेश, तो आज बजाया बताया वो गीत जरूर बजाते हैं, बाबा तेरा बनने में सुख मिलता है लाई है, गाएंगे सभी बाबा तेरा बनने में, आएगा बताएगा गाएगा, तेरा सुख मिलता इलाही है, कितना सुख मिलता है, कितना मिलता है, हाँ? आज किसी ने पता नहीं आज या कल किसी ने बोला, या आते हैं जैसे स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल में ओ टुबकियां लगाते हैं, अच्छा लगता है, मुझे स्विमिंग करना आता नहीं है, मुझे नहीं आता है, परंतु जहां बड़े बंगले होंगे ना तो स्विमिंग पूल जरूर बनाते हैं,
हमारा अमेरिका में जो पीस विलेज है ना, उसमें स्विमिंग पूल था बहुत अच्छा, बंद करा के उसमें हाल बना दिया। ये आज ओम शांति भवन स्विमिंग पूल में बैठे हैं, अशरीर बनकर, अशरीर बनते हैं ना तो अंदर से टुबकी लगाते जाओ, हर्षित हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, झुटका गुटका चला जाता है। तो एक है स्विमिंग करना, दूसरा सिंगिंग करना, गीत गाना वो भी अच्छा लगता है, स्विमिंग करना भी अच्छा लगता है, और तीसरा क्या होता है, तीसरा भी कुछ है ऐसे शब्द, अब याद आ जाएगा। परंतु बात आती है, बाबा रात को पूछता है सारे दिन में कोई भूल तो नहीं की, तो एक बारी ये हिस्ट्री हाल की बात करती हूं। तो बाबा दीदी हम सब बैठे थे सामने, बाबा भूल तो नहीं की, की तो नहीं थी भूल। मैं कहता हूं सारे दिन में कोई भूल की, क्या बोले कि तीसरा बारी पूछा हम भूल की, बाबा को सारे दिन में कितना बारी भूले, ये तो भूल की होगी, ऐसी आंख दिखाई, सारे दिन में बताओ बाबा को कितना बारी भूले। तो दीदी ने कहा थोड़ा भूले होंगे, भूले, ये भूल बड़ी नहीं है, जितना बाबा बाबा की याद दिलाता है इतना हम समझें, इतना मुझे याद करना ही है, ऐसा याद करूं जो आज बाबा के मुरली में था, बाबा ने कहा मैं भी बड़ा खुशी से पार बजाता हूं, जब आता हूं ना पत्तों को पावन बनाने के लिए बड़ा खुश होता हूं, मेरा काम तो यही है ना। पर एक बार कहा मैं धोबी भी हूं सोनार भी हूं, कपड़ा धोता हूं बहुत अच्छी तरह से, पर धोबी को अभी आजकल तो कपड़ा धुलाई करते हैं ना, तो रोजाना कपड़ा धुलाई होता है, आगे सप्ताह में एक बारी धोबी को कपड़ा देते थे, तब कपड़ा धुलाई करके ले आता था, कम से कम कपड़ा धोबी को दे दो ना, आप इस धुलाई करेगा ना, कपड़ा रखेंगे अपने पास धोबी क्या करेगा, धुलाई करके अच्छी तरह से अच्छा बना के देगा, अभी देखो कितना अच्छा कपड़ा देता हूं। तो बाबा ने कहा मैं धोबी भी हूं सोनार भी हूं, भले कोई इतने भी जेवर वगैरह तुम्हारे पास हो मेरे को दे दो, अल्लाह निकाल कर सच्चा सोना बना दूंगा, पर तुम वो शोई मिक्सचर बस कैसा भी खुश होगा, बस है तो झूठ, सच कितना है पता भी नहीं है तेरे को, तो शोई नहीं बनना है ना, सच्चा बनना है ना। तो और कुछ नहीं, मुझे सच्चा बनना है बस। आज मुझे मंदा बहन कान में सुनाती हूं, आज की मुलीन सत का संग, तो मैं नाम लेती हूं भले, अलका ने कहा आज मैंने क्लास में मुरली सुनाई इंग्लिश क्लास में, जब कहती मुरली सुनाई ना मुझे इतनी तेरी याद आई, इतनी याद आई, मैंने कहा ऑनेस्टी सीखनी हो तो दादी से सीखे ना, सच्चा बनना सीखना हो तो बाबा ने कहा ना सत्संग, सच्चे बाप के संग में रहेंगे तो रंग चरेगा ना, वही बाबा की शिक्षाओं को धारण करेंगे तो लगेंगे सच्चा है। बड़े प्यार से लिखा, मैंने कहा अच्छा है मुरली सुनाई,
अभी मुरली सुनाना भी कितना भाग्य की बात, इंदु कैसे बताना उसको कल। अभी अनिष्टी किसको कहा जाता है, सच्चाई और अनिष्टी में फर्क है। सच्चाई तो अंत में कहेंगे सच्चा है, बहुत सच्चा है, बहुत सच्चा है, पर पहले अनिष्ट बने, ईमानदार। कहीं है अपने आप से, अपने आप से ईमानदार नहीं है। जो अपने से ईमानदार नहीं है, भाई मैं कोई भी मेरी गलती है, ये है वगैरह है, मैं अच्छी तरह से महसूस करूं मेरी गलती क्या है, असु गलती कोई और बताएगा गुस्सा आ जाएगा, मुश्किल तो ये हो गई, कोई और बताएगा तो और कोई बताने की मन है, कोई गलती बाबा ने मन है कि हम नहीं सुनाते हूं किसको गलती, कोई पूछेगा ना, बहुत पूछेगा ना मेरी क्या गलती तो बताएंगे। वो मम्मा से सीखा, मम्मा से हम पहले बताएंगी मम्मा ये मेरे से, बाबा मैंने गलती हुई है मम्मा, अच्छा ऐसी आंख फिर से नहीं होना, ठीक है नहीं मम्मा सुन नहीं करेंगे, पर बताओ अभी मेरे मुझे पता ना होता हो मुझे बताओ ना मम्मा मेरी क्या। तो मम्मा की तीन शिक्षाएं, तो एक बारी मैंने कहा मम्मा बताओ, जब कराची में अभी थे तो मम्मा ने कहा सदाई याद रखना तो मेरा अंत अच्छा हो, तभी तो पता भी नहीं था, अभी ज्ञान में आए थे, मेरा अंत अच्छा हो। पर हमारी मन और दादी थी तभी तो मैं सख्या थी, मैं तभी इनों के भेंट में वो 1.5 साल पौना 2 साल पहले आई थी, तो कुमार का दादी मनोर का मेरा ख्याल होता था, ये बिचारी इतनी पुरुषार्थ करती है इसको मदद करें, तो मुझे कहा तुम मम्मा से बात करो ना, मैंने कहा थोड़ा डरती हूं, तो मम्मा को जाकर बताया मम्मा ये आपसे डरती है, तो मम्मा ने प्यार से हाथ पकड़ा, कहा तुम मेरे से डरती हो, मैंने कहा डरती तो नहीं हूं, ऐसे कहें बात करने में सर संकोच करती हूं। उस टाइम से मम्मा ने मेरा संकोच उतार दिया। आप लोग थोड़ी होता है बात करें, संकोच करती हूं, तब से मम्मा ने इतना मुझे हल्का बना दिया, जो कुछ बात होती थी। फिर एक बार मम्मा ने कहा, ऐसे 2-4 बैठे थे, कहा ये बहुत अच्छी पुरुषार्थी है, और जो बहुत गुणवान थी उसके लिए बाबा ने मम्मा ने नहीं कहा, जो थोड़ा बहुत गलतियां होती थी, कहा ये बहुत अच्छी पुरुषार्थी है। तो हम एक 2 बहन बैठी थी, मम्मा को देखने लगी, मम्मा ने कहा इसको सब अच्छा समझते हैं इसलिए इसका पुरुषा ठंडा है, इसको कोई अच्छा नहीं समझते इसलिए पुरुषा ज्यादा करती है, समझ रही बंदा, इसको जिसको सब अच्छा समझते हैं ना तो समझ में तो अच्छी, जिसको जैसे ये ठीक नहीं, ये ठीक है, वो बेचारी मेहनत करती थी बहुत, तो मम्मा ने कहा ये इनसे ज्यादा अच्छी है, क्यों इसको फिक्र है मुझे अच्छा बनना है, तो ये फिक्र होना चाहिए मुझे अच्छा बनना है। तो कभी अपन को अच्छा समझना भी, बुराई अपनी न देखना, ऐसे अच्छा समझना, उसका बाबा का टाइटल है मियां मिठू, बाबा साकार बाबा की मोली है,
तो मम्मा ऐसी शिक्षा देती थी, पर एक बारी मम्मा ने कोई शिक्षा दी किसने तो उसको थोड़ी अच्छी नहीं लगी। मेरी भूल तो थी नहीं, थोड़ी अच्छी नहीं लगी। तो मम्मा ने प्यार से बुला के कहा, अपना समझना चाहिए, शिक्षा कभी खराब नहीं होती है। मैं खराब हूं तभी शिक्षा मिलती है, नहीं, शिक्षा कभी खराब नहीं होती है। शिक्षा का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये भाई बहने नोट करना भाई, शिक्षा का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, शिक्षा को स्वीकार करना चाहिए, तो कभी न कभी काम में आएंगी। ये मिली हुई शिक्षा है हमको। जैसे कई लौकिक में भी कोई बूढ़े होते हैं तो भी कहते, मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया था, मेरे बाप ने ये सिखाया था। बुढ़ापे में भी याद आएंगे, मेरी माँ ने सिखाया था। अभी इसमें एक थोड़ी कहानी सुना देती हूँ। उस भाई ने मुझे कहा था, तो भले मेरी बात सबको सुना देना है, तो वो भाई सरी छोड़ दिया, परंतु क्या था, उन दिनों में सिंध में कोयटा होता था हिल स्टेशन, वहां जाप करने जाते थे। अच्छी कोई को जाप चाहिए ना, वहां करते थे। वो जाप करने गया तो ट्रेन में ठंडी है, वहां बहुत होती है, तो देखा ट्रेन में अंग्रेज लोग सिगरेट पी रहे हैं। उसको पता भी नहीं सिगरेट क्या होता है, कहा ठंडी में शायद पीना पड़ेगा, ठंडी है। उस हैदराबाद में ठंडी तो थी नहीं, शायद पीना पड़ेगा। तो किसी ने फेंका जूठा, टेस्ट करके देखा, अच्छा है, जरूरी है। फिर क्या था, पगार था 17 रुपया। नई नई नौकरी शुरू की थी, अब 17 रुपये पगार में सिगरेट का बॉक्स कैसे लेगा, पर आदत जो पड़ी। कोई सिगरेट फेंकता था ना, देखता पीकता था। फिर जब वापस हैदराबाद में आ रहा था तो उसको बहुत अंदर से दुख हुआ, मेरे माँ ने कहा था कभी जूठा किसका नहीं खाना, मैंने जूठा सिगरेट पिया, बहुत दुख हुआ उसको। मेरी माँ ने क्या सिखाया था, मैं क्या माँ को जब मुंह दिखाऊं। पहले माँ के आगे गया, रोया बहुत, माँ मैंने ये भूल किया है। तो कहा तो मैं इज्जत गमाई सारी, परंतु उसके बाद बड़ा बिजनेसमैन बन गया, सहगान में भी इतना बड़ा व्यापारी बन गया, इतना बड़ा पैसा कमाया, ये किया, बड़े बड़े मकान बनाए, ये किया, सब कुछ किया, पर अपने बच्चों को भी नहीं पीने दिया, न सिगरेट न शराब, किसको टच करने नहीं दिया। ऐसा पक्का हो गया, पर तो उसका जमाई था, उसको सिगरेट शराब की आदत थी। कहा मैं बेटी इसको देख करके दुखी हो गया हूं, क्यों शराब में जमाई ने गमा दिया दुकान वगैरह। तो मेरे पास वैसे नहीं मानता था ब्रह्मा कुमारियों को, पर ये सिगरेट और शराब छुराती है, ये इसको पता चला। तो अपने जमाई इतना पैसा गमाया, जो विम पाउडर लेकर के घूमता था, पैसा मिले तो शराब पीऊं। तो अचानक सेंटर पर आया, हम जान गई किसका जमाई है किसका बेटा है, हम इनका खाना खाओ तो देंगे, विम पाउडर लेंगे पर तुम खाना खाओ तो देंगे, बख्श मेरी सवर। फिर बेचारे ने बहुत रोया, पर मधुबन बाबा के पास
बाबा को बताया फलाना मधुबन आ रहा है, कहा लेके आओ। मैं उसको मधुबन लेके आई हिस्ट्री हॉल में, सारी अपने उसके माम बाप की भी इज्जत गमाई और सास ससुर की इज्जत गमाई, फकीर जैसा हो गया। तो बाबा को तरस पड़ा रहे क्या हो। तो बाबा ने कहा क्या किया हिस्ट्री हॉल में, ये यहां बैठा है बाबा, यहां बैठा। तो पहले उसको बोला, मुझे कहा उसको कौशल लिख करके आओ, तुमने क्या क्या किया है, क्या झूठ बोला है, क्या किया है। तो उसको लिखा। तो बाबा ने कहा इस कागज को तुम हाथ नहीं लगाओ। उसको बोला जा पानी गर्म का होता था ना, जा उसमें जला के आओ, फिर बाबा से बात करो। फिर सारा, परंतु आदत बुरी बला, आदत बुरी बला कहा जाता है, बला काटे ना सर्प काटे तो वो तो आदत खराब। फिर वापस आए, फिर से उसको गुस्सा लगा वाइफ के ऊपर, ये मेरे कंट्रोल में नहीं रहती है जैसे मैं चाहूं। उसने कहा मैं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रह सकती हूं। उसके बाप ने उसके एब्सेंट में कहा तो मेरी बेटी की लाज रखो, वाइट कपड़ा पहनाओ, तुम्हारी जैसी एक साड़ी पहन के वाट सर, बाकी मैं नहीं चाहता हूं ये इसके हवाले फिर जावे। तो बाप ने फिर लड़की को बॉम्बे में फ्लैट लेके दिया, शिवा स्थान लेके दिया। वो आज तक के मजबूर, कभी भी शराब की खींच होती थी पागल हो जाता था। तो ये बाबा कितना हमको, उसकी मां जिंदा थी तब तक, मां ने कहा बेटा तुमने इतना अच्छा कमाया, अच्छा सब बच्चों को पाला है, अभी ऐसा मार्बल का बंगला बनाओ जो उन जैसा बंगला किसका ना हो। पुणे में ऐसी जगह बंगला बनाया उन जैसा बंगला, को कहा मां की इच्छा है, मां को बंगला बना के दूंगा, भले बाल बच्चे पुत्र पोत्रे खुश रहे। तो क्या है, बुरी आदतें जो है ना मनुष्य की लाइफ सारी, कोई भी आदत छोड़ना मुश्किल है। अभी बाबा ने जब आज संघ की बात सुनाई ना, सारी सब आदतें कैसे छूटी है। मुख्य बात पवित्रता की इतनी जबरदस्त है, जो दृष्टि वृत्ति सबको जब लगता था, अब मां को कहें, मैं मां को कहूं लौकिक मां हो, पति पत्नी को कहे तो मेरी बहन हो, पागल हो क्या, वो मेरा भाई साहब हो, अरे पागल हो गया। पर नहीं, पागल रहना अच्छा है। अंदर संबंध में दे अभिमान छूट जाए, रूहानी दृष्टि आ जाए। अभी बाकी ये तो आदतें हमारे बीके में तो नहीं है, खान पान की आदत नहीं, बाकी क्या है आदत है, क्या आदत है बताओ। वो आदत कभी क्या आदत है बताओ, वो बताएगा यहां लिख करके देंगे, यहां चेक करेंगे अंदर से, क्यों सच्ची होली मनानी है। अभी होली में रंगी चराते ना ऐसा अच्छी तरह से, हाँ सबको रंग चराते हैं, मित्र संबंधियों को भी तो रंग चराना है। तो सच्चा संग रहे, सच्चा संग का रंग लगे, कभी भी भूल से भी नाराज नहीं हो जाओ, बस आजकल बड़ा ध्यान रखना पड़ता है सब राजी रहे।
थोड़ा भी नाराज होना, फिर राजी रहने में मेहनत है। थोड़ा भी कोई नाराज होता है फिर वो अपने को राजी रखे ना, नहीं रह सकेगा। वो किसी को राजी कर सके नहीं कर सकेगा। राजी माना संतुष्ट, राजी माना सहन शक्ति, कुछ नहीं है ये बात न, कुछ नहीं कुछ ये बात है ना, ना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैंने देखा है जिनके पास तीन शक्तियां है वो राजी है। एक धीरज है, दूसरी सहन शक्ति है, तीसरा संतुष्ट है। ठीक है, एक धीरज है, जल्दी से ये क्या हो रहा है शांत कर धीरज। सहन शक्ति ऑटोमेटिक धीरजवान बनाती है। सहन शक्ति ने मेरे से रोज होता है ना, बताती हूं ना कितना होता है ना, सदा ही होता है ना। अरे ये गिनती करते हैं ना, अंदर 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 दबाते हैं ना, उसमें हाथ में भी दर्द पड़ता है, सिर में भी दर्द पड़ता है, घुटनों में भी दर्द पड़ जाता है कुछ। तो दुख होता है जब दर्द पड़ता है या दुख से दर्द पड़ता है, क्वेश्चन है ये। हाँ मैंने भाई बताओ, दुख होने से दर्द पड़ता है ना या दर्द होने से दुख होता है? अरुण भाई क्या समझता है, दर्द होने से दुख होता है या दुख होने से दर्द होता है? जवाब दो ना। निजार भाई क्या समझते हो, दुख होने से दर्द पड़ता है ना? अच्छा, इसलिए डॉक्टर हॉस्पिटल होते हैं ना, तो मेरे को कहते हैं इतना दिन रहना पड़ेगा अपन। अच्छा, एक बारी मैं पंजाब में गई थी, वहां कुछ तबीयत खराब हुई थी, फिर जल्दी दिल्ली से फिर अहमदाबाद सीधा हॉस्पिटल लेके गए। दूसरे दिन मैंने कहा मैं ठीक हूं, कहा नहीं नहीं थोड़ा रहना चाहिए। मैंने कहा दर्द का इलाज आपके पास है, दुख का इलाज तो आपके पास है नहीं। तो मेरे को दुख है नहीं, दर्द चला गया। का क्या बोला? मैंने कहा क्या बोला, मैं आपके पास कोई दुखी आवे आप उसका दुख दूर कर सकते हो? बेचारा डॉक्टर ही सोचने लगा मैं भाग के आ गई यहां। ऐसे दो तीन बार हॉस्पिटल से भाग के आ जाती हूं, जरूरी। अभी कल परसों भी जब जा रही थी दिल्ली में, निर्वैर भाई इतना बोले इतना बोले, बिनासी बोले तो प्लीज प्लीज मधुबन में नहीं जाना, अहमदाबाद हॉस्पिटल को दिखाना, चार पांच मास पहले से हो गया है, तुम चेकिंग नहीं कराई फलानी, इतनी बातें करते थे, बात मत पूछो। मैंने कहा मैंने समझा सुना, सीधी आ गई। क्या बड़ी बात है, समझा? सद्दाम बस हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, किसी कोई थोड़ा नाराज हो एकदम राजी कर दो उसको, भाई साहब कुछ अच्छा मैं माफी मांगता हूं, बड़ी बात नहीं है। किसको दुख नहीं दो, मेरे कारण किसको दुख हुआ ना, दुख के कारण उसको दर्द भी हुआ ना, मेरे ऊपर बोझ जाऊंगा। मंदा घड़ी घड़ी पूछती है क्या कारण है, मैं बहन कारण अंदर कारण और कोई नहीं है, नेचर नाजिक है थोड़ी, हमेशा कभी भी मेरे कारण उसमें टाइम हो गया है। मैं अपना विश्व रतन दादा की बात सुनाती हूँ, बाकी लास्ट और बातें बहुत है पर विश्व रतन दादा की बात सुनाती हूँ।
उसको तो जो जानते हैं उनको अनुभव है दादा कैसा था भाई। चलो बाबा मामा को नहीं देखा, विश्वरतन दादा को तो देखा सभी ने, किसने नहीं देखा, सबने देखा है विश्वरतन दादा को, हाथ उठाओ। कितना वंडरफुल था, वंडरफुल। सीधा कॉलेज से सरेंडर हुआ था कराची में ही। उस टाइम दो तीन और भी हुए थे परंतु ये शुरू से लेकर के बाबा ने नाम ही रखा था सुखदेव। दृष्टि बड़ी, बाबा कहता था कभी इसका ख्याल नहीं करना, ये झाड़ वगैरह ये बनाता था, सब कुछ करता था, बड़ा योगी, बड़ा योगी था। और कभी बैर सेवा पर भी नहीं गया, मधुबन संभालता था। योग में एक्यूरेट, मूल्य में एक्यूरेट, सेवा में भी एक्यूरेट। रोटियां पकाने का काम हो दादा हाजिर है, गर्म पानी करना हो हाजिर है। तभी हमारे पास पानी नहीं होता था, गर्म पानी नलके नहीं आता था, हमारे हमारे पास बाल्टी गर्म की लेकर के बाथरूम में हमारी रख देता था। दादा छोरो ना का नहीं 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 आप बहनों का मेज बाथरूम होती थी, जहाँ हमारे पांडव बने जाते हैं ना वहाँ भंडारे की तरफ, वहाँ बाथरूम थी, छोटी छोटी बाथरूम थी, पानी गर्म करता था, हमको बाल्टी देता था, इतनी सेवा करता था। पर एक बार पुणे में ये बॉम्बे में आया, मैंने इसको पुणे बुलाया तो मुझे याद है उसको क्लास में बिठाया ऊपर। मैंने कहा विश्वरतन बाबा ने नाम रखा था, नाम तो दूसरा था पर नाम बाबा ने विश्वरतन था। बाबा ने कहा, मैंने कहा विश्वरतन दादा आप इतना योगी कैसे रह सकते हो, कोशिश तो हम भी करती आ रही है पर तू ये सताई। शिवा भी कभी इसको बोलता चलता नहीं देखा, एक्यूरेट सब शिवा। पोस्ट ऑफिस में जाना है, एड्रेस डालना है, पोस्ट लेके आना है, साइकिल पर गया, मत वंडरफुल भाई था। तो मैंने कहा जानकी सच बताऊं, मैं बड़ा ख्याल रखता हूं मेरे कारण किसका व्यर्थ ख्याल न चले, किसका व्यर्थ ख्याल चलाना मेरा योग नहीं लगेगा। मैंने वो गांठ बांध ली इसकी बात, इतनी अच्छी लगी मुझे बात। ऐसे ही आनंद भाई आया था, ब्रिजमोहन का बाप, इतना संबंध था, उसका भी बहुत अटेंशन था योग में। मैंने कहा भाऊ भोग बाबा का खाना खा रहे हो, बाबा को भोग लगाया, कहा मैं क्यों लगाऊं भोग जब वो खिला रहा है मेरे को, मैं क्यों उसको याद। हंस के मैं कहता है मुझे वो प्रैक्टिकली जो कमाता था ना कुमार का दादी को देता था, अपने पास कुछ नहीं रखता था, बस का भाड़ा भी कुमार का दादी से लेता था, खिलाता ही वो है, मैं याद किस क्या किसको करूं। ऐसी स्थिति बनाने, ये मित्र मेरा कहने का मतलब है अभी संगम युग पर जो ऐसी स्थिति बनाने की जिसको हाबी होती है ना, ये हाबी होनी चाहिए। बस मुझे ऐसी स्थिति बनानी है ना, आज भी मरू ना तो मेरे को कोई ऐसा नहीं कहे थी तो अच्छी परंतु गई इज्जत। भाई अभी सारे पांडव बन में शीलू बन पूछो, ये तो नहीं कहेंगे थी तो अच्छी परंतु, कोई कहेगा क्या, कहेंगे डबल विदेशी बैठे है, भारतवासी बैठे है, सब बैठे पांडव, हाँ कहेंगे तो अच्छी बात नहीं है।
सब जो बाबा जितना बाबा अच्छा है उनसे भी अच्छा हमको बनना है ना, जितना और कोई इच्छा नहीं है, बाबा जैसा अच्छा बनना है ना ना। अभी सुनो, या बाबा कहेंगे ऐसे कहेंगे, जब बनना कहेंगे बाबा तो ये हाथ नहीं उठाएंगे, बाबा जैसा अच्छा बनना है ना। अच्छा जिनको बनना है हाथ उठाओ, बाबा जैसा अच्छा बनना है ना। बाबा सदाई कैसे अभी बचा है, बच्चा अच्छा अच्छा कितना प्यार करता है, तो तेरा बाबा जैसा अच्छा बन। ओके अब टोली खिलाती हो, फिर पता नहीं कभी आएंगे, इसलिए कल पता नहीं क्या है ड्रामा अनुसार जो करना उस आज कर लो। तो कर लेने सबसे पहले तू आ गई, ये मीटिंग रिट्रीट पे, सैलरी रिट्रीट में थी ना, जल्दी आ गई। अच्छा कौन आया है दिल्ली से आज, आज कौन आया है, आज जो आया है। अच्छा ओके आज के आए, ओके थैंक यू, ओम शांति।